महात्मा गांधी की नजर में वे बहुत मेहनती थे, जमकर शारीरिक श्रम करते थे, अपना काम खुद करते थे, उनके बीच कोई भेदभाव नहीं था। वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सच्चे कार्यकर्ता थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं पर महात्मा गांधी की नजर पड़ी 1934 में। उस दौरान वे जमना लाल बजाज के आमंत्रण पर वर्धा पहुंचे थे। बापू जिस दो मंजिला घर में रुके उसके सामने एक विशाल मैदान था। ये मैदान भी जमना लाल बजाज का ही था, जिस पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं का शीतकालीन शिविर चल रहा था। इसमें करीब 1500 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने इस शिविर को करीब एक हफ्ते तक बहुत ही बारीकी से देखा। उन्होंने देखा कि किस प्रकार कार्यकर्ताओं ने खुद पूरे मैदान को साफ किया। इसके बाद अथक परिश्रम करते हुए तंबू लगाए और उसे एक व्यवस्थित शिविर का रूप दिया। गांधी इस पूरे प्रकरण को देखकर बहुत प्रभावित हुए। फिर क्या था, उन्होंने महादेव देसाई से इसे पास जाकर देखने की इच्छा जताई। महादेव देसाई ने संघ प्रमुख डॉक्टर हेडगेवार के सहयोगी अप्पा जी जोशी से बात की। अप्पा जी जोशी ने तुरंत ही महात्मा गांधी को इस शिविर के लिए न्योता भेजा। गांधी जी ने भी संघ के शिविर को देखने में देर नहीं लगाई। अगले दिन ही सुबह 6 बजे शिविर में पहुंच गए। ये घटना है 25 दिसंबर 1934 की। वे शिविर में सबसे पहले रसोई घर पहुंचे, वहां पूरी व्यवस्था को लेकर बातचीत की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शिविर में जिन दो बातों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए वे थे, पहला, शिविर में शामिल सभी कार्यकर्ताओं ने अपना खर्च खुद वहन किया था, जैसे गणवेश, भोजन और ठहरने का सारा प्रबंध। दूसरा, शिविर में छुआछूत तो दूर की बात थी, किसी स्वयं सेवक को दूसरे की जाति तक पता नहीं थी। खास बात यह है कि जब महात्मा गांधी शिविर पहुंचे थे तब सर संघ चालक हेडगेवार वहां मौजूद नहीं थे। वे अगले दिन स्वयं महात्मा गांधी से मिलने गए। महात्मा गांधी ने इन बातों की चर्चा खुद करीब 13 साल बाद की, जब वे 16 सितंबर 1947 को दिल्ली में दलितों की बस्ती में आयोजित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की एक सभा में पहुंचे थे।